हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटी, मैथ्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी, करंट जैसे आदि विषय आपको रेगुलर बेसिस पे कराए जा रहे हैं। इनके साथ साथ आपको MCQ कराए जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके और आप एग्ज़ाम में और ज़्यादा अच्छा और कॉन्फिडेंस फील कर सकें। तो बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आ जाइए। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये आपके सामने सिलेबस है स्कूल लेक्चरर का। ये पेपर 1 का टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज, जिसमें आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये हिस्ट्री हम एक एक करके देख लेंगे सारा टॉपिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशियंट कल्चर सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान में काली बंगन, फिर उसके बाद आहार देखेंगे, फिर गणेश्वर देखेंगे, फिर बैराट देखेंगे, और उसके बाद ये एक एक करके सारे टॉपिकों को कवर कर लेंगे। तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आ जाइए। नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड, अब देखते हैं एंशियंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान में कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखिए, काली का मतलब होता है ब्लैक, बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ, बैंगल्स, ठीक है। सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन को अगर समझें तो आप ये देखिए, पुराने ज़माने में क्या होता था, ऐसे जंगल्स होते थे, उन जंगलों में लोग रहते थे, एक दूसरे का शिकार करते थे। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये बर्बर तरीके से रहते थे। सिविलाइज तरीके से रहने का सिंपल सा मतलब है, लोग अपने घर बना के रहते हैं, एक प्रॉपर मैकेनिज्म से रहते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। इनके घरों में ड्रेनेज सिस्टम होता है, पूरा ग्रीनरी का सामान होता है, मतलब आपके खान पीन के लिए जो अनाज रखने के सिस्टम होता है, बाथिंग सिस्टम होता है, रिचुअल्स को फॉलो करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो इसको क्या बोलेंगे, सिविलाइज तरीके से रहना, आपस में लड़ना नहीं, है ना, प्रेम से रहना, यही सब सिविलाइजेशन है। अब देखिए, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये 3300 BCE से लेकर 1300 BCE के बीच में डेवलप हुई थी, और ये इंडस रिवर ये रही यहाँ पर आपके सामने। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के किनारे पर क्या था, जो यहाँ के लोग थे, यहाँ पर पक्की ईंटों के मकान बना के रहने लगे थे। इनके घरों के आसपास में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन्होंने बनाया था, ग्रेनरी का सामान बनाया था, मतलब आपका जो अनाज भंडारण की समस्या होती है ना, उसकी व्यवस्था करी थी, जिससे खान पान कर सकें, जैसे हर मौसम के लिए, बचाव के लिए, है ना, जो खेतों के साक्ष मिलते हैं, सील मिलती हैं, ट्रेडिंग सिस्टम मिलता है कि यहाँ के लोग ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। तो हम सब ये सब क्या मान सकते हैं कि यहाँ के लोग सिविलाइज तरीके से रहना सीख गए थे। और यहाँ पर राजस्थान में हनुमानगढ़ में कालीबंगन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, और ये हरप्पन सिविलाइजेशन देख सकते हैं, ये मोहन जोड़ादो सिविलाइजेशन है। तो ये कालीबंगन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन की थर्ड राजधानी कहा है। तो इससे पहले फर्स्ट एंड सेकंड कौन सी हो गई, फर्स्ट हो गई हरप्पन सिविलाइजेशन, सेकंड हो गई मोहन जोदारो सिविलाइजेशन। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की राजधानियाँ कहा गया है इसको, ठीक है। और किसने कहा था, दशरथ शर्मा जी ने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन की थर्ड राजधानी कहा था। इसके कुछ प्राचीन नाम हैं, जैसे काशयुगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, है ना। तो आ जाइए इसके बारे में पढ़ते हैं आगे चल के। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो हमने देखा। ये सभ्यता दुर्गीकृत व अदुर्गीकृत दो भागों में बटी हुई थी। दुर्गीकृत का मतलब होता है फोर्ट बनाना, जैसे मान लीजिए एक टीला है, उसके चारों तरफ घेराबंदी कर दी, दुर्ग निर्माण कर दिया और एक गेट लगा दिया, तो इसमें अंदर प्रवेश इसी गेट से हो सकता है, ऐसे नहीं कहीं से भी घुसेंगे। अदुर्गीकृत का मतलब होता है जैसे मैदान है, मैदान में घर बने हुए हैं, कोई भी आए कहीं से भी घुस सकता है इसमें, तो ये नॉन फोर्टिफाइड हो गया। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष में फैली हुई थी। इसे काशीयुगीन सभ्यता, नगरी सभ्यता, आग ऐतिहासिक सभ्यता, पाश्य हड़प्पनकालीन सभ्यता, हड़प्पाकालीन सभ्यता, प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता। अभी हड़प्पनकालीन सभ्यता के पास में डेवलप हुई थी, उसके बाद डेवलप हुई थी, उसके साथ डेवलप हुई थी, इसीलिए इसके नाम ऐसे पड़ गए हैं, आदि नामों से जाना जाता है। तो इतिहासकार दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। आ जाइए फ्रेंड, देखिए यहाँ पर है ये इंडस रिवर। अब इस नदी के किनारे पर जो सबसे पहले लोगों ने घर बनाए, पक्की ईंटों के घर बनाए और यहाँ रहने लगे, अपना सिस्टम पूरा डेवलप किया, इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है। नदियों के किनारे जो सिविलाइजेशन डेवलप होती है, उसे उस नदी के किनारे की सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, है ना। या फिर उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिले और उस चीज़ के नाम पर उस सिविलाइजेशन का नाम पड़ जाता है। अब ऐसे ही जो कालीबंगन सिविलाइजेशन है, यहाँ से ब्लैक बंगल्स मिली थी, परंतु ये भी किसी नदी के किनारे पर डेवलप हुई होगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर घग्गर रिवर बहती है, उस नदी के किनारे पर डेवलप हुई थी। इसका नाम जैसे घग्गर नदी है, सरस्वती नदी है, द्वेश्वती नदी है, आदि नदियों के नाम से जाना जाता है। अब आप यहाँ पर ये फोटो देख सकते हैं, ये कालीबंगा सिविलाइजेशन की फ़ोटो है। यहाँ से आपको बहुत सारे जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली, भूमि के साक्ष आदि मिले। यहाँ पे क्या सिक्का मिला था, आप सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ तो क्या था यहाँ पे व्याघ्र अंकित, व्याघ्र क्या होता है, ये व्याघ्र, ठीक है, टाइगर मतलब
इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टाइगर, और दूसरी तरफ मिला था महिला कुमारी देवी की अंकित फोटो मिली है। तो हम ये बोल सकते हैं जब यहाँ पर महिला कुमारी देवी की फोटो मिल रही है तो इस सिविलाइजेशन की कैसी सिविलाइजेशन होगी, मातृ सत्तात्मक होगी। पितृ सत्तात्मक क्या होती है, जहाँ पर पुरुष शासन करते हैं। मातृ सत्तात्मक क्या होगी, जहाँ पर महिलाएं शासन करती होंगी, महिलाओं की चलती होगी, महिला रूल करती है। तो आ जाइए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यह सभ्यता सरस्वती द्वेश्वती गगन नदी के मुहाने पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। इस जगह सर्वप्रथम खोज किसने करी थी, सबसे पहली खोज करी थी 1951 से लेकर 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर 50 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब आपको याद रखना है, जैसे कालीबंगन सिविलाइजेशन की सबसे पहले खोज किसने की थी, तो आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं के से कालीबंगन सिविलाइजेशन हो गया, ए से अमलानंद घोष हो गया, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगी चीज़ें। और जो इसमें उत्खनन का कार्य किसने किया था, ब्रजवासी लाल व बी वी लाल व बालकृष्ण थापर, जिसे बी के थापर भी बोला जाता है, इन्होंने किया था। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अजय, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लुइंगो टेसिटोरी थे, इन्होंने क्या करा था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का पीरियड और पूर्व मौर्यन व्यक्तियों से पहले का पीरियड, तो इस बीच का जो पीरियड है उसकी खोज कालीबंगा सिविलाइजेशन में किसने करी थी, या पहचान करी थी, लुइंगो टेसिटोरी ने बताया था कि ये इस पीरियड से बिलोंग करता है। ये खुदाई करने पर विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, जूते हुए खेत मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूकंप का साक्ष्य हो गया, जूते हुए खेत हो गया, लकड़ी की नाली हो गई, बाद में यहाँ पक्की ईंटों की नाली भी डेवलप हुई थी, पर सबसे पहले लकड़ी की नाली कहाँ डेवलप हुई थी, यहाँ पर कालीबंगा सिविलाइजेशन में, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ओनली पक्की नाली ही मिली थी, यहाँ पर लकड़ी की नाली कहाँ मिलती है, कालीबंगा में। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं, शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। शल्य चिकित्सा आप जानते हैं, जिसे हम सर्जरी बोलते हैं, उसके भी साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं, यहीं से 7 हवन कुंड मिले थे, ठीक है। 7 हवन कुंडों का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। व्याघ्र अंकित और महिला कुमारी देवी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से इनका सिक्का मिला था, जिससे मातृ सत्तात्मक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आज ही चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आज ही फ्रेंड यहाँ पढ़ते हैं, उससे पहले ये फोटो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कालीबंगा सिविलाइजेशन से आपको ये फोटो मिली है, यहाँ पे ये कंकाल दिख रहा है, और इस कंकाल के साथ में आपको ये घरेलू उपकरण दिख रहे हैं, जैसे मटका पानी पीने के लिए और कुछ बर्तन आदि देखने को मिलते हैं। तो ये माना जाता था कि मरने के बाद भी इंसान को इन सामानों की जरूरत पड़ती थी, ऐसा उनका थॉट थे। तो ये क्या करते थे, इंसानों को बरीड करते थे, उन्हें जलाते नहीं थे, उन्हें दफनाते थे यहाँ पर कालीबंगा सिविलाइजेशन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सजावटी अलंकृत फर्श मिला है। फर्श क्या होता है, जैसे मान लीजिए चबूतरा है, इसको डेकोरेट कर दिया है, बहुत अच्छे से सजावटी दिखा दिया है इस तरीके से। मिश्रित फसल मिलती है, कौन कौन सी, जौ गेहूँ चावल के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। सरकार द्वारा क्या है, कालीबंगा सिविलाइजेशन से जो अवशेष मिले हैं उसके लिए एक संग्रहालय की निर्माण भी किया गया है। अब देखिए बहुत सारे मत हैं, जैसे मान लीजिए कि इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ था, इस सिविलाइजेशन के एंड के लिए KUR कैनेडी ने तो कहा है कि यहाँ का पतन कैसे हुआ था, संक्रमण रोग से हुआ था। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना वायरस फैला, ठीक है, अभी कोरोना वायरस जैसा कोई वायरस फैला था और उससे सब लोग ग्रसित हो गए और मर गए और यह सिविलाइजेशन खत्म हो गए। जबकि अन्य इतिहासकारों के अनुसार इसका पतन कैसे माना गया है, प्राकृतिक आपदाओं नेचुरल डिजास्टर्स, है ना, जैसे अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, सूखा हो गया, बाढ़ आ गई, या आदि कोई भी कारण माने जा सकते हैं से हुआ है। अब देखिए ये जो कालीबंगा सिविलाइजेशन है, इसके पास से हमें दो सिविलाइजेशन देखने को मिलती हैं, एक पीलीबंगा सिविलाइजेशन है और एक रंगमहल सिविलाइजेशन है। अब इस सिविलाइजेशन की का उत्खनन का कार्य किसने किया था, डॉक्टर हना रेड के नेतृत्व में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इस पर क्वेश्चन कम पूछे गए हैं तो इस पर क्वेश्चन आने के चांस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। 1952 से 1954 में एक स्वीडिश दल के द्वारा यहाँ आए। अब देखिए पीलीबंगा सिविलाइजेशन और रंगमहल सिविलाइजेशन, देखिए स्वीडिश दल था 1952-54 में आया, पर एक गुरु शिष्य की मूर्ति भी मिली है, ये भी एग्जाम में बहुत कम पूछा गया है, तो इस पे भी ज़्यादा चांस है आने के, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आ जाइए ज़्यादा ज़्यादा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्वप्रथम कालीबंगा पुरातत्विक स्थल की खोज किसने की थी, आपके सामने 4 ऑप्शन है, डॉक्टर हनारेड, बी वी लाल, अमलानंद घोष और बालकृष्ण थापर। देखिए यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।